हेलो जी गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहम करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग कहाँ आए हुए हैं ये सरप्राइज़ है। फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। बैकग्राउंड आपने देखा होगा किसी की वीडियो में तो आपको पता चल गया होगा। तो जी व्यूअर्स, अभी आपको दिखाते हैं और मिलवाते भी हैं कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं और किससे मिलने के लिए आए हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं, हमारी बहुत स्वीट सिस्टर है। तो जी व्यूअर्स, ये हैं हमारी जो प्यारी सी सिस्टर हैं। और बहुत जो है ना, मुश्किलों के बाद हम लोग मिले हैं ना। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बना रहे थे और अभी अचानक से आए हैं, तो एक काम भी था और यहाँ पे हमारी बेबी भी आई है। हमारी भी यही कोशिश है, हम अपने सिस्टर को घर पे बुलाएं। हाँ जी, उनसे मिले, क्योंकि ये हमारी सिस्टर बहुत अच्छी है। हाँ जी, और आप भी बहुत अच्छे हो। और आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इनका भी एक व्लॉग है, आपने उस पर भी जाना है। जैफ व्लॉग है, तो आपने उस पर जाना है, बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी सपोर्ट करनी है और मेरी सिस्टर के साथ साथ रहना है। हाँ जी, थैंक यू बहुत सिस्टर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे खाना आ चुका है और सुमन भी जो है वो आ रही है। और यहाँ पे खाना जो है बन चुका है और यहाँ पे बना है मटर पुलाव। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे जी सालन है आलू चिकन का और सैलेड है रहता है। और हमारी सिस्टर है। हाँ जी सिस्टर, बस इतनी तौफीक दी थी जितनी तौफीक हमने, बस ये भी बहुत है। खुदा आप लोग इतना प्यार करते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। खाने वाने का वो बात होती है हर चीज़ की, लेकिन ये जितनी हमारी वही मैं कह रही थी कि इतना सिस्टर की ये खाना नहीं बना सकी, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बहुत है। मैंने कौन सा इतना खा लेना, ये भी बहुत है। बस आप लोग इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। खाने का कोई भूखा नहीं होता है। थैंक यू बस। हाँ, और आप लोगों ने इतनी, हाँ जी, आप हमारे लिए इस तरह सोचती है। हाँ जी, तो आप लोगों ने जो है बाजी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जय व्लॉग पे ज़रूर जाना है और इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं दूँगी आपको। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे दीव खा रहा है। हाँ दीव, बोलो ना आप। तो जी व्यूअर्स, यहाँ मम्मा को लग रहा है कलर ठीक है और मम्मा के पीछे मैं भी आ गई। कैसे आई मम्मा? कर दी तो मम्मा मेरे सैलून के काफ़ी पास थी, तो मैंने कहा कि मेरी मैं ऑफ कर रही हूँ तो हम लोग मार्केट चलें। तो मम्मा ने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे ड्रेस रह गया था वलीमे का। और मम्मा को कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है अभी हो जाए तो फिर दिखाती हूँ ना। और यहाँ मम्मा का कलर हो गया कम्प्लीट और मम्मा ने वॉश कर लिया और फेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फेस पे भी मम्मा ने फेस पॉलिश करवाई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है। काफ़ी काम करना और लाइट है लेकिन किया नहीं है। हाँ तो अभी मिलते हैं, बताओ ना कुछ क्या होता। जाने वाले थे लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, 7:30 से ऊपर हो गया। और जिन्होंने ये काम किया, अगर आप लोगों को काम पसंद आया तो आपने सिस्टर के ब्लॉग पे ज़रूर जाना है। तो वो भी हमारे साथ फैमिली ब्लॉग बना, सर्विस दे सकती हैं। और आपको किसी को भी अगर इनसे रब्ता करना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाए, तो हम सिस्टर के इंस्टाग्राम का भी बताएंगे। यहाँ पे पहन रही है शूज़, तो रोशनी थोड़ी सी कम हो रही है। चूज नहीं पहना जा रहा तो अभी पहना देते हैं चूज। तो जी व्यूअर्स, हम लोग आ चुके थे घर पे और बालों में आपने देखा कलर कैसा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर हो गया। और बाकी मैंने कुछ काम नहीं करवाया था क्योंकि लेट हो गए थे, काफ़ी लेट मुझे जाते हुए लेट हो गया था, क्योंकि मैं जो है 5:30 उधर पहुँची थी, तो फिर लेट बहुत हो गया था तो इसलिए सारा काम कर नहीं पाए। तो सिर्फ फेस पॉलिश की है और कलर किया, लेकिन उसी से इतनी ग्लोइंग आ रही, इतना अच्छा लग रहा है फेस। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे पसंद आया और कलर भी हो गया। चलो थोड़ा सा काम तो ख़त्म हुआ, तो बाकी का काम इंशाल्लाह कल करवाएंगे। और आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, बहुत सारा प्यार देना है। शहजाद सुमैरा के भाई सुमैरा का तो आ गया है, और बड़ा भाई और भाभी वो भी इंशाल्लाह 28 को पहुँच जाएँगे। और 28 को होगी एक ज़बरदस्त ढोल की, उसका व्लॉग मिलेगा आपको मेरे व्लॉग पे। और दिया जो है ना यहाँ पे बहुत थक गई, नहीं मेरे व्लॉग पे मिलेगा सबसे पहले, है ना बेबी? और बेबी जो है ये बहुत थक गया क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। और सुमन जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, सुमन बैठी हुई। हाँ हाय व्यूअर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, मेरा बहुत बुरा दिन रहा, बहुत बुरा दिन। मैंने आज इतना कुछ सोचा था,
बहुत बेकार रहा। तो चलो कोई बात नहीं, बेकार भी कभी कभी होना चाहिए। नहीं मैं आज तैयार हूँ क्योंकि मैंने सोचा था मार्केट जाऊँगी, अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी और हैदरी जाने का सोचा था, क्योंकि ना मैं अपने मेले में का ड्रेस लिया हूँ, बाकी 2-3 दिन तो बचे हैं, पर आज का दिन बहुत बुरा था। तो कोई नहीं, खैर है तो जो है ना इसका जो है मेरे मोबाइल का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो आप लोग इस चीज़ को करिएगा इग्नोर और मेरी वीडियो को कीजिएगा पूरा वॉच। और आपको बाजी का काम कैसा लगा आपने ये भी बताना है, और आपने जो है उनके चैनल पे भी जाना है। आप जो छोटे यूट्यूबरों को जो है ना ज़रूर सपोर्ट किया करें। और मैं इधर से बनाती हूँ कि अभी अभी कैसा लग रहा है, अभी सही आ रहा है सुमन? हाँ तो अब सही आ रहा है और काफ़ी नीट चेहरा लग रहा है, काफ़ी ग्लोइंग भी आ रही है चेहरे पे। मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और कलर भी अच्छा हो गया। हाँ तो कलर काफ़ी अच्छा हो गया और बड़ा ज़बरदस्त हो गया, और मैं यही करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा हो गया चैनल पहले से, और काफ़ी आप लोगों ने मतलब कि पहले से अच्छा जो है प्यार दिया है। तो इसी तरह आपने प्यार देते रहना है, हमारे साथ साथ रहना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं और आप लोगों की वजह से हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप लोग हमें देखें, हमें प्यार दें और हम लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहें। तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने जो है ना, किसी ने कमेंट किया था कि लिंक नहीं दिया, झूठो झूठी। तो लिंक मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मेरा उनसे रابطہ नहीं हो रहा था जिनका मैंने लिंक लगाना था, लेकिन वीडियो पहले से बन चुकी थी, मैंने इसलिए अपलोड की थी। और उनसे रابطہ होता तो मैं लिंक लगाती ना, क्योंकि आपको पता है जैसे कि आजकल के हालात हैं कि एक मोबाइल छीन भी सकता है, कुछ हो भी सकता है। तो मैंने बोला कि लिंक मैं जब तक रابطہ नहीं हो बंदे से मैं लिंक नहीं लगाती। तो बाद में मेरा उनसे रابطہ हो गया था तो मैंने लिंक लगा दिया था, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और जैसे कि प्यार देना चाहिए था वैसे आपने उनको प्यार नहीं दिया, हालाँकि उनका चैनल बहुत अच्छा था, किड्स स्टोरी टाइम बहुत अच्छा चैनल है, बच्चों की नसीहत का चैनल है कि बच्चों को छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं वो चीज़ें हैं, और बहुत ही काम की बातें हैं उसमें, छोटे छोटे मैसेजेस हैं, और काफ़ी अच्छा चैनल है। आप लोग एक दफ़ा जाइए, विज़िट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, और बताना है कि मेरे बालों का कलर कैसा हुआ है और फेस पॉलिश कैसी हुई ये भी बताना है। और हम लोगों को दुआओं में याद रखना है, बहुत सारा प्यार देना है, वलीमे तक सब ऐसे ही रहे, अच्छा रहे, खुदा वो दिन हमारी ज़िंदगी में लाए। हम लोग बहुत सारी दुआ करते हैं। और दियू ने जी रेड दुपट्टा ले लिया, ऊपर करके दिखाओ दियू, और दियू देखो जी कितनी प्यारी लग रही है, देखो। तुम्हारा बब्बू देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बब्बू लोगों को मैं इसलिए लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनाते, मैं छोटे जब बच्चे होते जब सुमन भी छोटी थी तो उसको भी लड़कों वाले पहनाती थी, और मिशेल ने भी बहुत पैंट शर्ट्स पहनी है। तो मुझे मतलब बच्चियां जो है ना छोटी, उनको इतनी मुश्किल में बाल बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए इनको हमने लड़कों की तरह बना के रखा है। तो गाइज़ आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, बहुत सारा प्यार देना है जैसे हमेशा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।